नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न 5 हम करने जा रहे हैं। देखिए आकृति 6.20 जो कि ये आपके सामने बनी है में डीई ओ क्यू के समांतर है। डीई ओ क्यू के समांतर है, इसी प्रकार डीएफ ओ आर के, डी एफ ओ आर के समांतर है। दर्शाइए कि ई एफ, ये जो ई एफ है यह क्यू आर के समांतर है। बच्चों यह बहुत ही आसान प्रश्न है, बस आप इसको ध्यान से समझिएगा। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिर्फ ये त्रिभुज देखेंगे पी क्यू ओ, ओ पी क्यू, ये वाला त्रिभुज देखना है हमने, मैंने इसीलिए साथ वाले को छुपा दिया। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू ये वाला जो त्रिभुज है इसमें डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई समांतर है ओ क्यू के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार हमें पता है यदि एक त्रिभुज में इस प्रकार से यह इसके समांतर होगी तो PE बटा EQ PD बटा OD के बराबर होता है। PE बटा EQ बराबर होगा PD बटा OD के, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर एक। अब हम बच्चों क्या करेंगे, दाहिनी तरफ वाला त्रिभुज लेंगे, उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, पी ओ आर, ओ पी आर, ओ आर पी, कोई भी नाम ले सकते हैं, जिसमें कि डी एफ समांतर होगा ओ आर। ठीक है बच्चों, त्रिभुज ओ पी आर में डी एफ समांतर है ओ आर के, तो फिर से हम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार PF बटा FR बराबर होगा PD बटा OD के, यही हमने आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में पढ़ा था। अब देखिए इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को कंपेयर कीजिए, फ्रॉम वन एंड टू, ये भी है PD बटा OD, ये भी है PD बटा OD, तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होगी, यानी कि PE बटा EQ बराबर होगा PF बटा FR के। अब आप ये बड़े वाला त्रिभुज PQR देखिए, PQR इसमें PE बटा EQ अभी हमने लिखा बराबर है PF बटा FR। यदि आप D बिंदु को और O बिंदु को भूल जाएं, सिर्फ ये याद रखें PQR और EF, D बिंदु को भूल जाओ, O बिंदु को भी भूल जाओ, तो देखिए इस त्रिभुज में PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि अनुपात बराबर होंगे तो यह लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तो हम लिखेंगे
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम के अनुसार। यदि ये अनुपात बराबर है PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, तो EF समांतर होगा QR के। यही हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। बच्चों, आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस को देखकर उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।